हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम साउथ इंडियन स्टाइल कोकोनट की चटनी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप फ्रेश कोकोनट ले लिया है। इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और ऊपर से जो ब्लैक वाला छिलका आता है वो मैंने इसका निकाल लिया है। अब चटनी जार में इसको डाल देंगे। हम इसके साथ में 1 चम्मच रोस्टेड चना भी डाल देंगे, 1 चम्मच पीनट्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पे सॉल्टेड पीनट्स यूज़ किए हैं। 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, बस इतना सा ही प्याज यूज़ करना है। 1 छोटा टुकड़ा इमली का डाल देंगे। आप इसकी जगह 2 टेबल स्पून इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसके साथ डाल देंगे हम 1/2 कप पानी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पीसते टाइम और पानी डालेंगे। अब इसको पीस लेते हैं। देखिए, हमारी कोकोनट की चटनी भी इसके तैयार हो गई है। पीसते टाइम मैंने 1/2 कप पानी और डाला है, तो टोटल 1 कप नारियल में मैंने 1 कप पानी यूज़ किया है। देखिए इसका टेक्सचर। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैं ये सारी चटनी को इस बाउल में निकाल लेती हूँ। पीसते टाइम में नमक डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ, छोटा चम्मच। मिला लेंगे नमक को चटनी के साथ में। आप पीसते टाइम ही नमक डालिए। अब हम तड़का तैयार करेंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल के गर्म कर लिया है। राई डाल देंगे। राई तड़कने के बाद में करी पत्ता डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। अब हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। हमारा तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इस तड़के को इस चटनी के ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरह से मैं ये सारा तड़का चटनी के ऊपर डाल रही हूँ। मिला लेंगे तड़के को चटनी के साथ में। हमारी कोकोनट की चटनी बनके तैयार हो गई है। आप इसे इडली, वड़ा या डोसे के साथ सर्व करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।